वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सीरीज का आपके लिए रिव्यू लेकर के। सीरीज का नाम है नवंबर स्टोरी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इसको देख सकते हैं। 4.5 घंटे के आसपास का समय आपको इसको देखने के लिए देना पड़ता है। तमन्ना भाटिया ने इसमें मुख्य किरदार निभाया है। स्टोरी की कहानी कैसी है, क्या ये आपको पसंद भी आएगी या नहीं, आप लोग इसको कितने एपिसोड तक झेल पाएंगे या झेल भी नहीं पाएंगे, उस सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। अब बात कर लेते हैं भैया नवंबर स्टोरी की कहानी के बारे में। इसमें दिखाया गया है तमन्ना भाटिया एक नॉर्मल लड़की है जो कि टेक वर्ल्ड की बहुत अच्छी जीनियस है, जानकार है, उसको कंप्यूटर्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। उसने एक प्रोजेक्ट भी अपने हाथ में लिया हुआ है जिसमें वो पुलिस स्टेशन की FIRs को डिजिटलाइज कर रही है। अब वहां पर उसके सामने एक समस्या आती है कि जब भी वो उस पुलिस स्टेशन की जितनी भी FIR हैं उनको डिजिटल अपलोड करना चाहती है तो किसी ना किसी प्रकार वो सर्वर हैक हो जाता है और कोई ना कोई व्यवधान हर बार उत्पन्न हो जाता है। आगे जाकर के आप कहानी में देखते हैं कि तमन्ना भाटिया की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी ही हैं। उनके घर में उनके अलावा कोई और दिखाया नहीं गया है। उनके पिता गणेशन काफी अच्छे राइटर थे, वो काफी ज्यादा क्रिमिनल्स, काफी ज्यादा क्राइम थ्रिलर स्टोरीज लिखने के लिए विख्यात है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या दिखाई गई है कि जो तमन्ना भाटिया के पिता गणेशन है उनको एक अल्जाइमर नाम की बीमारी है जिसकी वजह से वो अपनी सारी पुरानी यादें भूलते जा रहे हैं। इस बीमारी की वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, वो अपना पिछला काफ़ी सारी चीज़ें, अपने पास्ट की काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक सिंगल डेट को छोड़कर। वो सिंगल डेट है 12 नवंबर। उस 12 नवंबर को वो हर बार अपने घर पर जाते हैं, उनका जो पुश्तैनी मकान दिखाया गया है वहाँ जाते हैं। इस सीरीज में आपको देखने को मिलता है कि अनुराधा यानी कि तमन्ना भाटिया अपना पुश्तैनी मकान बेचना चाहती है ताकि वो अपने पिता का इलाज करा सके। आगे जाकर आप सीरीज में देखते हैं कि उनके उस पुश्तैनी मकान में हो जाता है एक मर्डर। उस मर्डर के साथ साथ एक दो और मर्डर हो जाते हैं अलग अलग लोकेशंस पर। उनका उन सब हत्याओं से क्या लेना देना है, तमन्ना भाटिया अपने पिता को बचाने के लिए जिसकी मर्डर में इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाती है थोड़ी बहुत देर के लिए, उनको बचाने के लिए कहां तक खेल जाती है, वो आपको इस सीरीज में जाकर के देखना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि यार ये सीरीज आपको पसंद भी आएगी या नहीं। तो यार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मुझे काफी सिंपल लगी कहानी। एक बार के लिए इंटरेस्टिंग जरूर थी बट आपको उतना ज्यादा बांधे रखती नहीं है। दूसरी, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है यार, काफी लंबी है। 4.5 घंटे के आसपास का समय आपको इसके लिए देना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा आपको लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी जगह आती है जहां आप बोरियत महसूस करते हैं, आप चाहते हैं कि यार कोई इंपॉर्टेंट सा सीन मेरी आंखों के सामने आ जाए ताकि मैं वापस से कहानी में एडजस्ट कर सकूं, कहानी में वापस से अपना ध्यान लगा सकूं। बहुत सारी जगह आपसे कहानी छूटती नजर आती है। बाकी रही बात परफॉर्मेंसेज की, तो भैया सभी का काम ठीक ठाक है, ठीक ठाक ही है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तमन्ना भाटिया के साथ में समस्या यही है कि वो एक्टिंग अच्छी करती है लेकिन उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते ही नहीं है। तमन्ना भाटिया ने बॉलीवुड में जितनी भी मूवीज करी हैं सारी की सारी सुपर फ्लॉप साबित हुई हैं। रही बात इस तमिल सीरीज की, तो ये तमिल सीरीज हिंदी में डब होकर के आपके सामने आ चुकी है, डबिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है इस सीरीज की लंबाई थोड़ी कम की जा सकती थी, कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स और ऐड किए जा सकते थे, कहानी के अलावा सब प्लॉट्स पर ध्यान दिया जा सकता था तो ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती। अगर बात करें रेटिंग की तो मैं इसे देना चाहूंगा 5 में से सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार्स। बाकी अगर आप लोगों के पास में 4.5 घंटे के आसपास का समय है, आप लोग एक और क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हैं और तमन्ना भाटिया के एक्टिंग स्किल्स आपको पसंद आती हैं तो आप इसके लिए एक बार के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज ये सीरीज मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी इसके अलावा आप नेटफ्लिक्स पर जाकर के आर्मी ऑफ द डेड एंजॉय कर सकते हैं। बहुत लाजवाब मूवी है, बहुत माइंड ब्लोइंग मूवी है यार, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको वो मूवी देखने के बाद। बाकी इसी तरह के रिव्यूज लेकर के मैं आता ही रहता हूँ अपने चैनल पर, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर और साबुन का बार बार इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।